सर जुदा होके भी मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैं अमेरिका से फ्लाइट लेकर खासतौर पर इसलिए आया वहाँ पर, मैं फैमिली के साथ वहाँ पे था। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ यार, भट्ट साहब और विक्रम भट्ट मतलब अद्भुत दिग्गज कलाकार हैं, उनके साथ काम करना बड़ा मतलब सौभाग्य। सर ये पहली फिल्म है, वर्चुअल फिल्म है जो जो बनी है, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? यार ये वर्चुअल फिल्म मुझे लगता है कि इंडिया का फ्यूचर है। मतलब आप स्मॉल बजट की फिल्में बहुत बड़े पैमाने में बना सकते हो, क्योंकि एल ई डी स्क्रीन आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो एज अपोज टू आप पूरा यूनिट को ले जाकर आप कोई इटली में शूट करोगे, आप इटली पीछे ला सकते हो अपने एल ई डी स्क्रीन के ऊपर। बॉलीवुड में काफ़ी हद तक ये चीज़ें होती हैं, बट इंडिया में पहली बार हो गया है। के सरा सरा और ये भट्ट कंपनी जो दोनों मिलकर ये फिल्म बना रहे हैं, सरा सरा एंड विक्रम भट्ट मिलकर के जुदा होके भी उन्होंने प्रोड्यूस किए, साहब ऐसे मनीष भट्ट ने लिखी है फिल्म। उम्मीद है कि लोगों को अच्छी लगी है। काफ़ी अरसे बाद एक ऐसी फिल्म आ रही है जो एक हॉरर फिल्म है और इस प्रकार की फिल्म और फिर ये टेक्नोलॉजी, और मुझे लगता है कि अगर लोग इसको सपोर्ट करेंगे तो और फिल्में ऐसी बनेंगी, ये टेक्नोलॉजी और इस्तेमाल होगा और बेहतर हमारा सिनेमा बनेगा। तो ऑडियंस को कुछ कहना चाहोगे? यार मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया ये कोविड और पेंडेमिक के दौरान। मेरी काफ़ी कुछ वेब सीरीज थी, आप लोगों ने देखा उसकी, उम्मीद है कि आप फिल्म को भी देखोगे और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। हमने बहुत मेहनत से, हर कोई मेहनत करके फिल्म बनाता है, लेकिन जब आप पहली बार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो उसमें एक अलग ही शिद्दत और एक पेशेंस और एक मेहनत लगती है। अभी आप कहाँ से आ रहे हो? ये मैं अमेरिका से आ रहा हूँ यार, मेरे जो सास ससुर हैं वहाँ पर रहते हैं। खास इस फिल्म के लिए प्रमोट करने के लिए खासतौर पर उसके लिए आया वापस, एक फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ उसके लिए भी आया हूँ, बट मेनली मैं जुदा होकर भी के लिए आया वापस। तो अभी जाहिर सी बात है फिल्म रिलीज कुछ नए प्रोजेक्ट इसके बारे में यार काफ़ी हैं। गैसलाइट है सारा अली खान चित्रांगदा विक्रांत मैसी के साथ, एक वर्चस्वा है जो रवि किशन चत्रधार चौधरी के साथ है, ये है जुदा होके भी, और दो तीन दूसरी फिल्में भी हैं जिसका जिक्र हम अभी नहीं कर रहे हैं, और एक पूरी प्रेम कथा भी है जो एक सोशल सैटायर है, लव स्टोरी है। काफ़ी फिल्में हैं, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू सर, turning losses into gains, I'm the boss of